दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाला इन्फिनिक्स 08। दोस्तों इस डिवाइस के मेन हाइलाइट्स की तरफ सबसे पहले नज़र दौड़ा लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है मीडिया टेक हीलियो G90T का प्रोसेसर, जो कि पबजी गेमर्स के लिए यहाँ पर बेस्ट है। गेमिंग आप इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। इसके अलावा आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है। आपकी बैटरी तकरीबन 1 घंटे के अंदर फुली चार्ज हो जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा मिलता है, यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके साथ आपको यहाँ पर फ्लैश लाइट भी मिलती है और डुअल कैमरा मिलता है। आपको यहाँ पर वाइड एंगल शॉट भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर 10 देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप। इसके अलावा आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन क्या होती है कि आप जैसा कि व्लॉग वगैरह बनाते हो, कोई भी वीडियो बनाते हो, जब आपका मोबाइल ऐसे हिलता है तो एक झड़क आता है आपकी वीडियो के अंदर, आपकी वीडियो इतनी अच्छी नहीं आती, सही है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आप ऐसे मोबाइल को हिलाएं जुलाएंगी भी तो तब भी झड़क नहीं आएगा इसकी वीडियो के अंदर। वीडियो स्टेबलाइजेशन का आपको इसके अंदर ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। आपका जो आम नॉर्मल फोन होता है उसके अंदर आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, जो कि इससे मुराद ये है कि आपकी जो स्क्रीन होती है 60 मरतबा आपकी 1 सेकंड के अंदर रिफ्रेश होती है, जबकि इस मोबाइल फोन के अंदर 90 मरतबा आपकी स्क्रीन यहाँ पर रिफ्रेश होगी 1 सेकंड के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। इसके अलावा आप जब स्क्रोलिंग वगैरह करते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पर, तो आपको बहुत ही स्मूथ सा इंटरफेस देखने को मिलता है। कोई आपको इस किस्म का इंटरफेस नहीं दिखाई देगा, बहुत ही स्मूथ इसकी स्क्रीन होगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी से मुराद ये है कि जब भी आप गेमिंग वगैरह करते हो, पबजी वगैरह खेलते हो, तो आपको यहाँ पर लिक्विड कूलिंग से मुराद ये है कि आपका मोबाइल हीट अप नहीं होगा, हीटिंग इश्यूज आपके अंदर इसको फेस नहीं करने पड़ेंगे, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूंगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है हमारा इन्फिनिक्स 08 का यहाँ पर बॉक्स, आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं इसके बॉक्स को। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक कैमरा फोन है, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का इसके अंदर मेन सेंसर आपको मिलता है। इसके अलावा आपको फ्रंट कैमरा यहाँ पर जो मिलता है 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होने वाली है। बॉक्स को हम जो ही ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है अपना इन्फिनिक्स 08। तो यहाँ पर मुझे कोई मालूम नहीं है कि इसका कलर क्या है, कलर मैंने चेक नहीं किया, तो अभी हम देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये कलर है इसका, पता नहीं इसका नेम क्या है, अभी मुझे सही से इसका नेम मालूम नहीं है। तो बहुत ही प्यारा कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, डायमंड कट आपको देखने को मिलता है। तो इसके बाद मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर बॉक्स के अंदर इसके अलावा आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम उठाते हैं, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से कुछ यहाँ पर पेपर वर्क देखने को मिलता है, यहाँ पर इन्फिनिक्स की ऑफिशियल ब्रांडिंग आपको देखने को मिलती है और वारंटी कार्ड वगैरह आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो इसको भी हम रख देते हैं साइड पर। इसके बाद हमें मिलता है एक केस, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्फिनिक्स की तरफ से ये एक केस दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का दिखाई दे रहा है। तो इसको भी आप यूज़ करना चाहें तो साथ में यूज़ कर सकते हो, तो इसको भी हम रख देते हैं साइड पर। तो इसके अलावा आपको यहाँ पर जो चार्जर देखने को मिलता है, बहुत ही बड़ा चार्जर आप देख सकते हो, यहाँ पर 33 वाट का फास्ट चार्जर, जो कि बहुत ही बड़ा है और 1 घंटे के अंदर आपकी बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी इसकी मदद से। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिलती है डाटा केबल इन्फिनिक्स की तरफ से। तो डाटा केबल के अंदर आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा कि यहाँ पर इसके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया गया है, यहाँ पर इसका जो कलर है ऑरेंज है, ये इस बात का सिंबल है कि ये एक फास्ट चार्जिंग डाटा केबल है। तो इसको भी हम रख देते हैं साइड पर। तो अभी हम कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को यहाँ पर टर्न ऑन और आपको दिखाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमने कर लिया अपना फ़ोन रेडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कैमरा का रिजल्ट दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मैं कैमरा को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि आपको यहाँ पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आपको मिलता है, आप 30 FPS पर कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर 1080p में 60 FPS पर यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो कैमरा का रिजल्ट बहुत ही कमाल होने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पर AI कैम मिल जाता है, ब्यूटी कैम आपको मिल जाता है, इसके अंदर बोके मोड दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि
आप लोग अपनी वीडियो के अंदर भी यूज कर सकते हो और फोटोज के अंदर भी, यहाँ पर आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। सुपर नाइट मोड प्रोवाइड किया गया है। सुपर नाइट मोड की मदद से आप लोग नाइट के अंदर भी सेल्फीज वगैरह या फोटोज वगैरह ले सकते हो। तो कैमरा बहुत ही कमाल है, इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे बेटर कैमरा मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाला। तो कैमरा बहुत ही कमाल का है। शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों कैमरा तो हो गया बहुत ही कमाल का। इसके बाद आपको यहाँ पर मैं सेटिंग के अंदर जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर माई फोन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर आपको ई वारंटी की सहूलत देखने को मिलती है। ई वारंटी क्या है कि जब आपका मोबाइल टर्न ऑन होगा तो उस वक्त से आपकी वारंटी शुरू होगी। सही है, आपका वारंटी कार्ड बेशक गुम हो जाए तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको ई वारंटी दी गई है। यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है। आपका नॉर्मल फ़ोन होता है उसके अंदर आपको यहाँ पर 60 FPS का मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आपका मोबाइल एक सेकंड के अंदर 60 मरतबा रिफ्रेश होता है। तो गेमिंग के लिए ये बहुत ही बेस्ट मोबाइल है, जिसके अंदर आपको 8 GB की रैम और यहाँ पर मीडियाटेक हीलियो G90T का प्रोसेसर मिलता है, जिसके अंदर आप पबजी बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चला सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको फुली यहाँ पर फाइनली यहाँ पर रेडी कर लिया है इस मोबाइल फ़ोन को। तो गेमिंग मैंने चेक की है, बहुत ही कमाल की, कोई हीटिंग इशू नहीं है। इसके अंदर आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हीटिंग का इशू आपको इसके अंदर फेस नहीं करना पड़ेगा। क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, फ्रंट पर फ्लैश भी दी गई है, डबल कैमरा दिया गया है, वाइड एंगल सेल्फी आपको मिल जाती है। इसके अलावा ये मोबाइल फ़ोन कैमराज के लिहाज से और गेमिंग के लिहाज से बहुत ही बेस्ट मोबाइल फ़ोन है इस प्राइस रेंज के अंदर। तो आप लोग इसको बाय कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।